अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग आए हैं नर्सरी यूनिवर्सिटी और अभी हम लोग बैठे हुए हैं, क्लास ले लिए। क्लास लेने के बाद अभी कैफ़े के बाहर बैठे हुए हैं ताकि कैफ़े खुले तो चाय पिए। बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल है, सूरज इतना प्यारा लग रहा है, आज इतनी ठंड नहीं है। ये जो आप इतना खूबसूरत सा दरख्त देख रहे हैं जो बिल्कुल ही बंजर है, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी खूबसूरती है, और इसको देख के मुझे एक बात जहन में आई, सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं कि जब हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि खुशी के लम्हे भी तो आए थे हमारी ज़िंदगी में, और हम उस दुख को बस रोक बना के बैठ जाते हैं। तो ये जो दरख्त है, इस दरख्त पे भी कभी पत्ते हुआ करते थे, कभी फूल हुआ करते थे, और इसके बराबर में इतना खूबसूरत ये दरख्त है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये दरख्त लग रहा है। मतलब एक अजीब सी अट्रैक्शन मिल रही है इससे। तो ये दरख्त जो है ये हमें ये सबक देता है कि हर ख़िज़ा के बाद बहार भी आती है। चाँद जाएगा तभी सूरज भी आएगा, रात होगी तो दिन भी निकलेगा। तो हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना दुखी नहीं होना चाहिए, खुशी के पल भी आते हैं। और हाँ, दुख का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला ने जिस मिट्टी से हमें बनाया उस मिट्टी पे 2 दिन या 1 दिन खुशी की बारिश बरसाई थी और 40 दिन गम की बारिश बरसाई थी। तो गम का जो वो एक पीरियड होता है वो शुरू से अल्लाह ताला ने मतलब ये बनाया, वही दस्तूर है कि गम के दिन तवील होंगे। खूबसूरत जो है आज बादल हो रहे हैं, आसमान भी इतना हसीन हो रहा है, और ये जो दरख्त जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये मुझे इतने पसंद थे। मैंने एक ड्रामे में देखा था, काव्या अंजलि ड्रामे का नाम था, तो उस पे ना ये पत्ते थे। तो मैंने बोला यार ये दरख्त कहाँ पर होते, मतलब मुझे तो कहीं दिखे नहीं, क्योंकि यहाँ आई तो यहाँ हर जगह लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है,